तो गाइस जैसे कि आप मेरे इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में एक छोटा सा क्लिप देखा, एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन एनिमेशन वीडियो, वो एनिमेशन मोबाइल फ़ोन के मदद से बनाया गया है। जी हाँ गाइस, ओनली 10 मिनट में। तो गाइस आप भी इस तरह का एनिमेशन वीडियोस बनाकर आप अपने चैनल पर अपलोड करके मायने में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि इस तरह का जो एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन एनिमेशन वीडियोस है, इस तरह की वीडियो पर कितने ज़्यादा व्यू जाते हैं, मिलियन करोड़ों करके व्यू जाते हैं। तभी गाइस इस तरह का एनिमेशन वीडियो मोबाइल फ़ोन के मदद से बनाकर आप अपने चैनल पर अपलोड करके मायने में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड लोगों ने इस तरह के एनिमेशन वीडियोस देखते हैं, इसीलिए इस चैनल का जो RPM होता है वो काफ़ी हाई होता है और जो लोग इस तरह के एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं वो अच्छा खासा अर्निंग भी करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस तरह के एनिमेशन वीडियोस मोबाइल फ़ोन की मदद से 10 मिनट में कैसे बनाएंगे। बट उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को कुछ चैनल दिखाना चाहूँगा, जो लोग इस तरह के एनिमेशन वीडियोस बना रहे हैं उनके चैनल पर, उनके वीडियो पर व्यूज़ कितने आते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह का एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाएंगे ओनली 10 मिनट में। ठीक है, तो गाइस आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं यूट्यूब पर आ गया हूँ और यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ पर सर्च कर दिया हूँ एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन। ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया और सर्च करने के बाद गाइस फर्स्ट नंबर पर जो वीडियो आ रहा है आप देख सकते हैं, इस वीडियो पर 2.6 करोड़ व्यूज आ गए हैं, जो कि ये 4 वीक एगो इस चैनल पर अपलोड किया गया है। ठीक है, एंड आप देखिए मैं इसी चैनल को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इनके पर वीडियो पर व्यूज़ कितने आते हैं, जो कि आप देख सकते गाइस इन्होंने इनके चैनल पर जस्ट 27 वीडियोस का अपलोड किया है और सब्सक्राइबर देखिए 1.73 लाख सब्सक्राइबर ले लिया है। और अब मैं इनके वीडियो सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इनका वीडियो। ठीक है, तो चलो हम पॉपुलर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इनका पॉपुलर वीडियो को व्यू दिखा देते हैं, जो कि आप देख सकते गाइस फर्स्ट नंबर पर जो वीडियो आ रहा है इस वीडियो पर 2.6 करोड़ व्यूज़ आई है। ठीक है, उसके बाद देखो 25 लाख ठीक है ना गाइस, उसके बाद 10 लाख 10 लाख 9 लाख 5 लाख ऐसे करके पर वीडियो पर अच्छा खासा तगड़ा व्यूज़ है। ठीक है, और चलो अब मैं और एक चैनल दिखाता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं ये है चैनल एनिमल बैटल गेम। ठीक है, इन चैनल पर कितने वीडियोज़ अपलोड किया है, मात्र 3 वीडियोज़, यानी कि 3 वीडियोज़ अपलोड किया है और सब्सक्राइबर देखिए 4.84 लाख सब्सक्राइबर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये चैनल कितना तेज़ी से बूस्ट हुआ है यूट्यूब पर। और अब मैं वीडियो सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इनका वीडियो। आप देख सकते हैं उन्होंने जस्ट 3 वीडियोज़ अपलोड किया है, 3 ही वीडियो वायरल गया है, जो कि 8 मंथ पहले इस चैनल पर अपलोड किया गया है और 8 करोड़ व्यूज़ आई है। ठीक है, उसके बाद 6.2 करोड़ व्यूज़ आई है और यहाँ पर देखो 39 लाख यानी कि 4 मिलियन व्यूज़ आई है। 3 ही वीडियो वायरल हो गया है। ठीक है ना गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है 3 वीडियो चैनल पर, ठीक है ना, फिर भी उनका चैनल वायरल हो गया है। तो इस तरह का काफ़ी सारे मैं आपको चैनल दिखाना चाहूँगा जो कि काफ़ी अच्छा खासा व्यूज ले रहे हैं यूट्यूब पर इस तरह का वीडियोस अपलोड करके। ये आप देख सकते हैं इस चैनल का जो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है वो $1000 से लेकर $17000 तक ये अर्निंग करता है, जो कि इसका जो मिनिमम अर्निंग है वो $1000। अगर हम $1000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग कितना होता है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं 81000 इंडियन रुपीज में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का वीडियोज़ अपलोड करके उन्होंने 81000 अर्निंग करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस इस तरह का
वीडियोस आप मोबाइल फ़ोन की मदद से कैसे बनाएंगे, क्योंकि गाइस इस तरह का वीडियोस बनाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। इस तरह का वीडियोस बनाने के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप इस तरह का एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन की मदद से ओनली 10 मिनट में इस तरह का वीडियोस कैसे बनाएंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा धांसू होने वाला है, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। तो ओके गाइस, इस तरह का वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है एनिमल फाउंटेन्स, ठीक है। ये आपको लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद गाइस सबसे पहले नंबर पर जो एप्लीकेशन आ रहा है गाइस, ये एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल करना होगा, जो कि आप देख सकते गाइस ये जो एप्लीकेशन है एकदम नया एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं इसका रिलीज डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये कब रिलीज हुआ है, कहाँ गया है। आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2023। तो इसी एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल करना होगा एंड ओपन करना है। चलो ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओपन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या, आपको गेम स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर दिया गया है। मैं आपको बता दूं गाइस कि आप अपने हिसाब से कैरेक्टर यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, डिफॉल्ट में यहाँ पर जो कैरेक्टर दिया गया है इसी कैरेक्टर को लेकर आपको वीडियोस बनाना होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एलिफेंट का है, यहाँ पर एक भालू का है, यहाँ पर एक लायन का है, एंड यहाँ पर गाय का है शायद, ठीक है। ये कैरेक्टर को लेकर आपको वीडियोस बनाना होगा। तो आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना है और आपको गेम खेलते समय आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉज का बटन आपको मिलेगा, यहाँ पर कैमरा का बटन मिलेगा, आप जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कैमरा एंगल जो है जो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर सारे कंट्रोल आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक एक आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और एनिमेशन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपको जस्ट गेम खेलना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड रिकॉर्ड करते जाना है आपको, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरीके से खेलना होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एडिट कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एडिट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके वीडियो पर कॉपीराइट भी आ सकता है। आप एडिट करेंगे तो हो सकता है कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट ना आए। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। जो एडिट करने के लिए आपको आना है काइनमास्टर पर। काइनमास्टर पर आने के बाद गाइस आपको क्लिक करना है मीडिया मीडिया ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद गाइस जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उसको आपको यहां पर इनपुट कर लेना होगा, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो है, ठीक है। एंड इसको आप हमने इनपुट कर लिया है। एंड इनपुट करने के बाद गाइस आपको करना है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप देख यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट हो रही है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पैन जूम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको दोनों जो पोजीशन देख रहे हैं, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, दोनों पोजीशन को सिलेक्ट करके आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। अब गाइस आपको कुछ इस तरीके से जूम करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको जूम कर देना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से जूम करना है। जूम करने के बाद चलो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं हमारा गेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब आपको करना क्या, आप देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे रिटेक लिया है, मतलब इधर उधर हाथी को घुमाया है, तो ये सब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हाथी चल रही है, यहाँ से देखिए हमारा हाथी चल रही है, यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। एंड जहाँ पर रुक गए हैं, देखो यहाँ पर रुक गए हैं, यहाँ से हम कट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से रुक गए हैं तो यहाँ पर हम कट करेंगे, तो आपको भी कुछ इस तरीके से कर लेना होगा, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए ये घूम गया है। तो इस तरीके से आपको कट करके यहाँ पर ऐड कर देना है और एक फुल वीडियो बना लेना है, और जो स्मूथली आपने गेम खेला है उस पार्ट का आपको लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीटेक लिया है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, तो आपको उस पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। एंड डिलीट करने के बाद आपको स्पेशल पार्ट को आपको लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लेना है, तभी बच्चों को पसंद आएगा देखने में, ठीक है। तरीके से गाइस आपको एडिट कर लेना है, ठीक है, आप देखिए, और एक एनिमेशन वीडियो सबको बना लेना है। तो चलो हम एडिट कर लेते हैं इसी तरीके से, और फाइनल में आपको रिव्यू दिखाऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एडिट कर लिया है वीडियो को, और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दिया है कॉपीराइट फ्री वाला। तो आपको भी गाइस कुछ इसी तरीके से वीडियो को एडिट कर लेना होगा, एंड एडिट करके आप अपने चैनल पर इसे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, और आप मोनेटाइज करके पैसे भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको इंट्रो देना है अपने चैनल के बारे में, आपको पहले बताना होगा कि जस्ट आपको बोलना होगा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड शेयर करो, कमेंट करो, इस तरह का आपको फास्ट में बोलना होगा। एंड लास्ट में भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, और वीडियो को आपको बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा, पैसे अर्निंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कहीं था गाइस आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक करो,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।